लोकसभा स्पीकर का चुनाव इस बार दिलचस्प हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों ही स्पीकर के लिए उम्मीदवार उतार सकते हैं। अगर विपक्षी इंडिया ब्लॉक भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारता है तो ये पहली बार होगा जब स्पीकर के पद के लिए जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। आजाद भारत में आज तक लोकसभा स्पीकर को हमेशा सर्वसम्मति से चुना गया है और सिर्फ चार स्पीकर एमए अयंकर, जीएस ढिल्लो, बलराम जाखड़ और जीएमसी बालयोगी ही ऐसे स्पीकर रहे हैं जिन्हें दोबारा इस पद के लिए चुना गया है। बहरहाल इस बार इंडिया ब्लॉक अब स्पीकर का चुनाव भी लड़ सकता है। दरअसल विपक्षी गठबंधन डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा है। उसका कहना है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो फिर वो स्पीकर का चुनाव भी लड़ेंगे। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा कि अगर सरकार किसी विपक्षी नेता को डिप्टी स्पीकर बनाने पर सहमत नहीं हुई तो हम स्पीकर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। आमतौर पर स्पीकर का पद सत्ताधारी और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास जाता है, लेकिन पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली था। लोकसभा स्पीकर का चुनाव जो कि 26 जून को होगा, जबकि डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तारीख स्पीकर तय करेंगे। 24 जून से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। 2 दिन नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। आम चुनाव होने और नई सरकार के गठन के बाद नए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर आमतौर पर लोकसभा के सबसे सीनियर सांसद को बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है। आम चुनाव के बाद सरकार और विपक्ष मिलकर स्पीकर के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करते हैं। बताया जा रहा है कि 26 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव पेश करेंगे। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं तो फिर बारी बारी से प्रस्ताव रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर वोटिंग भी कराई जाती है। जिसके नाम का प्रस्ताव मंजूर होता है उसे स्पीकर चुना जाता है। स्पीकर का कार्यकाल उनके चुनाव की तारीख से लेकर अगली लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक होता है, यानी जब तक 18वीं लोकसभा की पहली बैठक नहीं होती तब तक ओम बिरला ही स्पीकर रहेंगे। हालांकि स्पीकर के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति तय करते हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तारीख स्पीकर की ओर से तय की जाती है। डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी वैसे ही होता है जैसे स्पीकर का चुनाव। अगर एक ही उम्मीदवार है तो सदन में उसका प्रस्ताव रखा जाता है और उसे पास किया जाता है। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं तो फिर वोटिंग कराई जाती है। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वही बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य हो। दोनों का ही कार्यकाल 5 साल का होता है।